सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप देख ही सकते हो हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ नीरज चोपड़ा। आपको पता ही है कौन है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो हम आज जस्ट ओनली आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं एंड हम ड्रॉ करने वाले हैं कलर पेंसिल के साथ, बट कौन सी कलर पेंसिल वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो बिल्कुल सिंपल सी मैंने यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर ली है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो मेरे पास शीट है ये एवरी शीट है, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे कलर पेंसिल के साथ ड्रॉ करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे एवरी शीट ले रहा हूँ। ओके सो ग्रिड मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, हम यहाँ पे ग्रिड की मदद से आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं। सो ग्रिड कैसे मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर पहले से मैंने काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। फाइन, सो यहाँ पर मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरह से ग्रिड बनाया है। A4 शीट साइज़ है, तो इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है सेंटीमीटर में, वो 21x30 सेंटीमीटर होता है, ओके। एंड यहाँ पर जो मैंने ग्रिड यहाँ पे ड्रॉ किया है ये स्क्वायर में है, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बिल्कुल बराबर है, ओके। और इसके सेंटर में भी आपको छोटा एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बताता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये फ़ोन में बिल्कुल सेम जैसे कि फ़र्स्ट मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है, सेम वैसे ही मैंने ऐसा ही फर्स्ट बॉक्स मैंने पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है, ओके। सो यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे आपको निशान लगा देता हूँ, ये टोटल स्क्वायर ही है। फाइन, इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल बराबर है, बट है कितनी यहाँ पर, ये है 18x18 सेंटीमीटर, क्योंकि 21 सेंटीमीटर का ये शीट है तो हम 21 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा जा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 18x18 सेंटीमीटर लिया है। और इसके सेंटर में यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है जिसमें सेम ग्रिड है, और इसका जो यहाँ पे विड्थ है और लेंथ है ये कितनी है, और ये जो बॉक्स है ये कितने जो फर्स्ट वाले बॉक्स में 4 ग्रिड्स के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, जैसे कि आप रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हो ये वाला सेकंड ग्रिड वाली पिक्चर है, ओके। सो बाकी डिटेल में मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो वीडियोस जाकर चेक कर लेना। इसकी जो यहाँ पर साइज़ है ये 12x12 सेंटीमीटर रहेगा, ओके। और अगर हम इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, 18 को 6 से डिवाइड किए हमने तो 33 सेंटीमीटर के ग्रिड आए हैं, ऐसे ही हमने 12 को 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है तो 22 सेंटीमीटर के ग्रिड आ जाएंगे, ओके। सो कन्फ्यूज़ मत होना, एक दो बार आप देखोगे वो वीडियो को आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि मैं ग्रिड कैसे बनाता हूँ। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला पार्ट लगे तो आप कोई भी ग्रिड मेथड से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला मेथड बनाना है ग्रिड्स का। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आउटलाइन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं हर एक स्केच आई से स्टार्ट करता हूँ, आईब्रो या आई से ही स्टार्ट करता हूँ, ओके। सो सेम हमें कैसे इसको ड्रॉ करना है, हर एक ग्रिड को, हर एक जो छोटे छोटे यहाँ पर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें हर एक बॉक्स को देखने की किस जगह पे आई आ रही है वैसे ही ड्रॉ करते जाना है, गैप एंड डिफरेंसेस को बिल्कुल अच्छे से देखना है, पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, फिर बनाना स्टार्ट करना है, ओके। सो जैसे इस वाले पार्ट में आई कवर हो रही है ना, तो हम यहाँ पे आई ड्रॉ करेंगे पहले। सो स्टेप बाय स्टेप एंड आपको धीरे धीरे बनाना है। अगर आपने अभी स्टार्ट की, अगर आप अच्छे से अभी फेस मैच नहीं कर पाते हो तो ऑब्ज़र्व करना है, सबसे पहले पिक्चर को देखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में बस बनाने लग जाओ, ओके। सो बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये एच पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सो आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डार्क आउटलाइन करनी है तो आप डार्क वाली पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे एच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे कलर पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है, ओके। सो इसलिए मैं लाइट थोड़ा इसको लेकर चलूँगा। सो यहाँ पर आईब्रो से स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हो आईब्रो कहाँ पे फिट हो रही है, किस जगह पे फिट हो रही है, ये आपको अच्छे से देखना है, कौन से बॉक्सेस के अंदर आईब्रो आ रही है, कैसे उसकी शेप जा रही है, सेम वैसे ही शेप ड्रॉ करनी है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं बट फेस एग्जैक्ट मैच नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, लाइक जैसे हम यहाँ पर एक मैन का फेस है, ये हम देखा जाए तो एक मैन का फेस है, एक बॉय का फेस है जिसमें क्या होती है, बियर्ड्स होती हैं, मस्टैचेस होती हैं, ओके। बट अगर हम वो बियर्ड मस्टैचेस ना बनाए तो उसके कारण भी फेस कभी कभी मैच नहीं होता, ओके। सो सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करके
मतलब रिज़ल्ट पे मत जाया करो कि यार फेस अच्छे से मैच नहीं हो रहा। कई बार उसमें एक्सप्रेशंस की वजह से एंड बियर्ड और मस्टैचेस की वजह से फेस कभी कभी मैच नहीं होता, बट शेडिंग मतलब कि उसमें वैल्यू ऐड करने से फेस मैच हो जाता है। और जैसे जैसे हम वैल्यूज़ ऐड करने लगते हैं क्या होता है, हमें मिस्टेक्स का भी पता लग जाता है कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की है। सो मिस्टेक से मुझे याद आया कि जब तक आप खुद अपने ड्रॉ किए हुए स्केच में मिस्टेक ना निकाल पाओ तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप एक स्केच को कंप्लीट करो उसमें खुद देखा करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ओके, एक कोलाज बना लिया करो, एक साइड रेफरेंस पिक्चर होगी और एक साइड आपका स्केच होगा। ओके, सो उसमें से देखा करो कि हमने कहाँ पे गलती की है और हमें कहाँ पे इसे ठीक करना चाहिए। फाइन, सो नोज़ मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। यस, नोज़ काफ़ी बड़ा बन गया। एग्जैक्टली मैंने अच्छे से देखा नहीं उसको, गैप एंड डिफरेंसेस को अच्छे से लिया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, फ़नी सा लग रहा है ना। तो नोज़ को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसे ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है क्योंकि हमने लिया नहीं अच्छे से। ये जो बॉक्स है जहाँ पे राइट एंड साइड नोज़ वाला पार्ट आ रहा है वो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, तो उसको छोटा करना पड़ेगा यहाँ से। सो यू कैन सी अभी यहाँ पे जो फेस लग रहा है वो सेम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक है और यहाँ पे वैल्यूज़ की कमी है। मतलब कि यहाँ पे जो मस्टैचेज़ है वो मैंने बिल्कुल हल्की हल्की रखी हैं, बियर्ड नहीं यहाँ पे ड्रॉ करी है। ओके, जो चिन वाला पार्ट है वो काफ़ी डार्क है, अभी वहाँ पे डार्कनेस नहीं दिए, तो इस वजह से ये फेस थोड़ा मतलब बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। और वैसे अगर हमें देखें तो इस फेस में काफ़ी मतलब एक्सप्रेशंस हैं। ओके, जिसकी वजह से ये फेस एक्चुअल में नीरज चोपड़ा का फेस लगेगा। ओके, सो ये सब चीज़ें कब आई? जब हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे, जब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो अभी के लिए यहाँ पे हम हेयर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको फुल आउटलाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिस्टेक है, क्या कुछ चेंज करने वाला, मतलब क्या कुछ हमें चेंज करना चाहिए।
ओके सो सिंपल सी आउटलाइन यहाँ पे हमने रेडी कर लिए, बट चिन्ह पार्ट से जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। यहाँ पे हम हल्की हल्की शेडिंग करके देखते हैं एक बार पेंसिल से, बाद में इरेज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कलर पेंसिल से ड्रॉ करना है। कलर पेंसिल से ड्रॉ करते टाइम अगर हम ग्रेफाइट के ऊपर चला देते हैं तो ग्रेफाइट हल्का सा फैल जाता है, तो इसलिए शेडिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्की हल्की शेड कर रहा हूँ। फाइन सो यहाँ पर रेडी है नीरज चोपड़ा का ये सिंपल सी एक आउटलाइन। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे शेड करेंगे और वो हम ड्रॉ करेंगे कलर पेंसिल के साथ। कौन सी कलर पेंसिल के साथ करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो इन दिनों मेरी वीडियो थोड़ी कम आ रही है तो उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ इसलिए मेरी वीडियोज़ काफ़ी कम आ रही है। आज भी मैं वीडियो चार या पाँच दिन बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। फाइन सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आपको पसंद भी नहीं आई वीडियो तो फिर भी लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका क्या जाता है यार लाइक करने में, है ना। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, इसी कंटेंट के साथ कलर पेंसिल से शेड करेंगे। सो आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।